राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह सुबह से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपने यहाँ जहाँ पे हमारे कंडे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो है कंडे एक तरफ रख लेती हूँ, उसके बाद जो है नए कंडे बनाऊंगी। और आप लोग देख सकते हैं हमारे गोबर जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो तीन साइड हमारे गोबर रखे हुए हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि खेत का गोबर तो तुम लोग कंडे बना चुके हो और उसके बाद चलो यहाँ का भी बना दोगी तो सही रहेगा, क्योंकि यही दो तीन महीने हैं जो कंडे बनाए जाते हैं, वरना बारिश वरिश आ जाता है तो कंडे भी नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैं जो है सूखे वाले कंडे एक साइड रख लेती हूँ। ये जो है अभी अच्छे से नहीं सूखे हुए हैं और हमारे यहाँ जहाँ पर हम कंडे बनाते हैं वहाँ पर बहुत कम ही जगह है, तो इसलिए मैं सोची पहले ये सूखे वाले कंडे एक साइड रख लेती हूँ। तो देखिए मैं दूसरे साइड रखने के लिए चली आई हूँ। ये साइड जो है ऊंचा है और धूप भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं सोची यहाँ पे रख दूँगी और दो दिन बाद सूख जाएंगे। तो इसे जो है इकट्ठा वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो टो घूर मम्मी बनाई हुई है, मुझे इसका नाम ही नहीं पता, मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो मैं सारे कंडे एक साइड रख दी थी और उसके बाद देखिए यहाँ पे लोहियाँ बनाना शुरू कर दी हूँ। तो तीन जगह हमारे गोबर इकट्ठा हुए हैं, तो पहले मैं जो है बीच वाला साफ़ कर रही हूँ। मैं सोची चलो बीच वाला कर लेती हूँ और उसके बाद किनारे किनारे का किया जाएगा। तो देखिए मैं लग गई हूँ और साथ में हमारी दीदी भी आई है, तो दीदी बोल रही थी कि तब तक तुम लोहियाँ बना लो और उसके बाद जो है मैं कंडे बनाऊँगी। मुझसे तो उतने अच्छे कंडे बनते ही नहीं है, तो इसलिए दीदी हमेशा हेल्प करते हैं कंडे बनाने के लिए। वैसे भी गांव में तो सुबह सुबह यही सब काम किए जाते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन कुछ लोग शहर में रहते हैं तो उन्हें नहीं पता होगा। तो वह लोग हमारे वीडियो को देखिए और जो है गाँव का असली अंदाज मैं आप लोग को अपने वीडियो में दिखाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो देखा करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। और उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। उसके बाद दोस्तों देखिए मैं लोहियाँ बना चुकी थी और फिर दीदी आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये कंडे बनाना शुरू करती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी दीदी जो है कैसे कंडे बना रही हैं, मुझसे तो उतना अच्छा बनता भी नहीं और बन भी जाता है तो जल्दी खड़ा भी नहीं होता है, बहुत ही मेहनत लगता है मुझसे इसे खड़ा करने में। लेकिन दीदी और अमृता जो है बहुत ही अच्छा कंडा बनाती है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग को अपनी गांव की रियल स्टाइल दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग क्या क्या काम करते हैं गाँव में और क्या क्या होता है गाँव में। देखिए दोस्तों दीदी हमारी जो है एक साइड की सारे कंडे बना चुकी हैं और उसके बाद दूसरी साइड आ जाती है बनाने के लिए। और कंडे बनाने में तो मेहनत लगता है, लेकिन जो है चूल्हे पे खाना बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और चूल्हे का खाना जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग गांव में रहते होंगे वो लोग तो खाए होंगे चूल्हे का खाना, लेकिन कुछ लोग शहर में रहते होंगे तो वह लोग नहीं खाए होंगे। तो कभी दोस्तों आप लोग भी आजमाइएगा गांव में चूल्हे का खाना, कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। तो देखिए दोस्तों हमारे सारे कंडे बन गए थे, भले ही थोड़ा मेहनत हुआ लेकिन एक काम भी खत्म हो गया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक दिन पहले तो हमने खेत के सारे कंडे बना दिए थे और उसके बाद दूसरे दिन यहाँ जो घर के पास जहाँ पे हम लोग बनाते हैं यहाँ के भी बना चुके हैं। फिर दीदी जो है अपना हाथ और धुल लेते हैं और फिर घर पे आते हैं तो खाना पीना खा लेते हैं। और ये जो है दोपहर का क्लिप है, तो आप लोग सोचेंगे कि दोपहर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और मैं दीदी तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, पापा की तबीयत ख़राब है। तो कुछ लोग जानते हैं जो लोग हमारे वीडियो में डेली बने रहते हैं और जो लोग नहीं बने रहते हैं उन्हें नहीं पता होगा।
तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं और दीदी जो है पापा का रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि पापा के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पा रहे थे। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला था कि MRI हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि पैर में क्या हुआ है। तो पापा 2 दिन पहले ही MRI करवाए थे और 2 दिन बाद हम लोग जो है रिपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला था कि 2 दिन बाद जो है आपका रिपोर्ट आएगा और आप आइएगा, ले लीजिएगा और देख भी लीजिएगा कि क्या निकला है और क्या हुआ है। तो दोस्तों आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि मेरे पापा को कुछ ना हो और वह जल्दी से ठीक हो जाए और रिपोर्ट में कुछ भी ना निकले। तो इसलिए मैं और दीदी वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर पापा का MRI हुआ था। तो हम ऑटो में बैठे हुए थे और मैं दीदी से बोली कि अभी कितना दूर जाना है। तो दीदी कह रही थी बस आ गया, देखो यहीं पे इसे लेना है। तो देखिए हम उतर गए हैं ऑटो से और दीदी जो है ऑटो वाला का पैसा दे देती हैं और फिर हॉस्पिटल में चलते हैं। तो नीचे साइड जो है रिपोर्ट वपोर्ट मिलता है। तो देखिए नीचे आ गए और दीदी यहाँ से रिपोर्ट ले रहे हैं। तो डॉक्टर यहाँ पर दे रहे हैं रिपोर्ट और बोल रहे थे कि मतलब जो है आपको नंबर लगाना पड़ेगा तभी डॉक्टर से जो है भेंट हो पाएगा। तो बोल रही थी दीदी कि कब आए, तो कह रहे थे सोमवार के दिन आइएगा और पापा को भी साथ में लेकर आइएगा। तो पापा अभी घर पे ही हैं तो हम लोग रिपोर्ट लेकर घर चले जाते हैं और फिर बयान भर यानी कल दीदी आएंगी पापा को लेकर और फिर देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं रिपोर्ट में निकलने के बाद। तो देखिए हम रिपोर्ट ले चुके थे और उसके बाद घर के लिए चल देते हैं। तो हम जो है कुछ देर पैदल चलते हैं और दोस्तों आप लोग को पता है हमारे साथ क्या हुआ। जब हम लोग ऑटो में बैठ कर आए थे तो ऑटो वाला बोल रहा था कि 50 रुपये दीजिएगा हम उतना ही लेंगे और दीदी जैसे ही 100 का नोट देती वैसे ही 30 रुपये थमा देता और दीदी देखने लगती। तब तक ऑटो वाला पता है आप लोग को क्या क्या भाग गया ऑटो लेकर। ऐसे होते ऑटो वाले, सब धोखेबाज होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है ऑटो में बैठने से। ऐसे ऑटो में बैठने से अच्छा बैठे ही। तो आप लोग देख सकते हैं हम पापा के रिपोर्ट ले चुके हैं और उसके बाद हम लोग जो है कुछ दूर पैदल जाएंगे क्योंकि ऑटो वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा ही पैसा ले रहे हैं। तो दीदी ने बोला कि थोड़ा दूर आगे चलते हैं उसके बाद वहाँ से पकड़ लेंगे ऑटो। तो देखते हैं कब तक हम लोग चल रहे हैं पैदल। मैं तो पहले इस बार आई हूँ इधर। तो देखिए आगे दीदी चल रही हैं और पीछे से मैं चल रही हूँ। तो मैं तो इधर पहली बार आई हूँ तो इसलिए मुझे अभी नहीं पता है कि कहाँ तक हमें पैदल चलना है। तो दीदी बोल रही थी कि बस साथ में चलो और मैं तुम्हें आज पूरा रास्ता ही यहाँ का दिखा देती हूँ। तो देखिए दीदी जो है आगे आगे चल रही हैं, इन्हें तो पूरा रास्ता याद है लेकिन मुझे अभी उतना रास्ता भी नहीं याद है। आज पहली बार चल रही हूँ। तो देखिए दीदी बोल रही थी कि चलो कुछ देर आगे और पैदल चलते हैं और उसके बाद जो है ऑटो पकड़ लेंगे और फिर चल देंगे। और फिर दीदी बोल रही थी कि तुम क्या सब्जी मंडी देखी हो। मैं बोली नहीं देखी हूँ। तो दीदी कहती चलो आज तुम्हें मैं सब्जी मंडी भी घुमा देती हूँ। तो मैं बोली ठीक है चलिए आज मैं भी देख लूँगी क्योंकि मैं कभी अपने यहाँ का सब्जी मंडी नहीं देखी हूँ। तो देखिए आज दीदी हमें जो है यहाँ पर भी लेकर आती हैं और यहाँ से बोल रही थी कि सब्ज़ियाँ जो है थोड़ी सस्ती मिलती है। तो देखते हैं कितने का देते हैं ये भैया लोग। दोस्तों क्या आप लोग को पता है ये लोग ना सच में बहुत ही सस्ती सब्जियां बोल रहे थे। हम भी दीदी से बोले कि काश यहीं पे हम लोग का भी घर रहता तो सस्ती सस्ती सब्जियां मिल जाती। आप लोग को पता है 10 रुपये किलो टमाटर है और 25 रुपये या 30 रुपये किलो मटर है और ये गोभी जो है ना 10 रुपये का एक है। मैं बोली इतनी सस्ती सब्जियाँ देती हैं। तो दीदी बोल रही थी यहाँ ये सब्जी मंडी है ना तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही सस्ती मिलती है और यहीं से सारे लोग लेकर जाते हैं और अपने यहाँ बेचते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ बाज़ार लगती है। तो मैं बोली बढ़िया है यहीं से लेनी चाहिए सब्जियां। तो दीदी बोल रही थी हम लोग आएंगे यहाँ से लेने तो हम लोग का जो है किराया भाड़ा ही उतना लग जाएगा जितने की सब्जी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए दीदी जो है गोभी उभी देख रही थी, बोल रही थी कि गोभी ले लेंगे तो इसका अचार बनाएंगे लेकिन ये गोभी जो है उतना अच्छा नहीं था। तो फिर कह रही थी चलो पत्ता गोभी ले लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए इसकी सब्जी खाए हुए और इसका जो है वो बनता है रिकवच भी बनता है। क्या दोस्तों आप लोगों ने खाया है कभी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से देखिए दीदी जो है 3 जो है ये लेती हैं पत्ता गोभी क्योंकि ये सस्ती बहुत थी 10 रुपये का एक
ठीक था तो इसलिए दो तीन ले ली दीदी। और फिर यहाँ से देखिए पाव भर जो है लहसुन लेती, ये भी 20 रुपये पौआ दे रहे थे। और दोस्तों आप लोग को हमारे यहाँ की सब्जी मंडी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आई और बहुत ही सस्ती सस्ती सब्जियाँ दे रहे थे ये लोग। टमाटर 1 किलो का, धनिया का कितना रुपया पाव है? आइए धनिया 10 रुपया पाव, सेल 10 का, 2 किलो, गाजर 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो। हमने जो है सब्जी मंडी से टमाटर खरीदा, पत्ता गोभी खरीदा और जो है आदि लहसुन, तो दोस्तों मैं आप लोग को घर पे दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दूल्हे का सारा सामान मिल रहा था, सहरा वहरा, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं ये भी पहली बार ही देखी थी। उसके बाद दोस्तों ये देखिए हम लोग अपने बाईपास पे आ गए थे तो एक पेपर था तो दीदी बोल रही थी उसका लिवलेशन करवा देते वरना फट जाएगा, तो वह यहीं पर करवाती हैं। और फिर मैं जो है इस दुकान से कुरकुरे लेती और फिर घर के लिए चल देते हैं। तो देखिए हम घर पे आ चुके हैं, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं अपने सब्जी मंडी से क्या क्या खरीदी हूँ। और मैं बहुत ही सब्जियाँ जो है बहुत ही सस्ती मिल रही थी, कम से कम 60-70 रुपये में इतनी सारी सब्जियाँ आज मिली है हम लोग को, हमें तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। तो देखिए 3 पत्ता गोभी जो है 30 रुपये में था, और उसके बाद ये 1 किलो टमाटर लिए थे ये तो 10 रुपये किलो था, ये भी बहुत ही सस्ता था। हमारे यहाँ तो 25 रुपये या 30 रुपये किलो मिलते हैं। और ये देखिए 10 रुपये का जो है आदि है और 20 का तो 15 का लहसुन है, इतना सारा मिला है, हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा कि इतनी सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों ये सुबह का क्लिप है तो आप लोग देख सकते हैं मैं किचन में आई हूँ, तो मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ और एक तरफ चूल्हे के पास भाभी बैठी हुई हैं तो वह अपना खाना बना रही, तो चावल चाय हमारा पहले ही बन चुका है और वह एक साइड जो है रोटियाँ बनाने जा रहे हैं और फिर मैं इधर आ जाती हूँ। तो आज मम्मी घर पर नहीं है तो आज मम्मी का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं पापा जो है गैया लगा चुके हैं और फिर मैं आ जाती हूँ दूध को नापने के लिए। पापा बोल रहे थे कि नाप दो, अभी एक भैया आएंगे तो वह लेकर जाएंगे। तो दोस्तों हमारी जो है गैया 3 या 4 किलो दूध देती है तो 1 किलो हमारा जो है बेचने के लिए जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं रख दी हूँ क्योंकि पापा पैर से चल ही नहीं पाते तो इसलिए पापा नहीं लेकर जाते हैं, तो वह भैया आते हैं वही लेकर जाते हैं। और फिर मैं बाबू के लिए दूध एक साइड रख देती हूँ गर्म होने के लिए और भाभी देखिए चूल्हे के पास बैठकर बना रही हैं। और बाहर आती हूँ तो अमृता जो है जा रही है नहाने के लिए क्योंकि आज उसका भी स्कूल खुल गया है। और देखिए पापा गैया लगा दिए थे लेकिन बछड़ा नहीं छोड़ पाए थे तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बछड़ा छोड़ने के लिए। तो देखिए मैं कॉलेज से आ गई और कॉलेज से आने के बाद मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं चूल्हे में आग जला चुकी हूँ और एक तरफ मेरा चाय बन रहा है और दूसरी तरफ मेरे चूल्हे पर जो है दूध रखा हुआ है। तो देखिए हमारा चाय कैसे बन रहा है, आग बहुत ही अच्छे से जल रही है और पापा इस टाइम घर पे ही हैं। आप लोग को पता ही है कि उनकी तबीयत ख़राब है तो इसलिए बोल रहे थे चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो देखिए हमारा जो है पानी और दूध मैं ऐड कर दी थी पहले ही तो वह गर्म हो गया। अब मैं चलती हूँ इसमें चीनी और चाय पत्ती डाल देती हूँ और मैं जो है अदरक नहीं डालूँगी क्योंकि अदरक डालूँगी तो चाय फट भी सकता है। सुबह के समय मैं ऐसा ही की थी, सब कुछ इकट्ठा डाल दी थी और हमारा चाय फट गया था, तो इसलिए मैं पहले जो है इसे दूध को गर्म कर लूँगी और ये खोलेगा तभी जो है इसमें अदरक डालूँगी। तो देखिए दोस्तों मैं चीनी और चाय पत्ती पहले ही डाल चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए अदरक डाल रही हूँ। तो अंधेरा दिख रहा है, प्लीज़ आप लोग अंधेरे को इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों हमारा चाय जो है बहुत ही अच्छे से खोल रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं और आग भी अच्छे से जल रही है, चाय भी बन चुका है, थोड़ा बहुत और पकेगा। तो देखिए हमारा चाय जो है कैसे खोल रहा है और आग बहुत ही अच्छे से जल रही है और चाय बहुत ही जल्दी बन भी जाएगा और जिस दिन आग नहीं जलती उसी दिन लेट होता है। और दोस्तों जिन जिन लोग को चाय अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चाय बन गया था, अब मैं चलती हूँ इसे उतार देती हूँ और फिर जो है ट्रे में लगा देती हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा चाय बन चुका है, तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए और आप लोग को चाय कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़िया लगा। अमृता जो है लेकर चल देती है पापा को देने के लिए।
तो ये जो है सबसे पहले पापा को देती और मम्मी जो है कुछ काम कर रही थी तो कह रही थी अभी दे देते हैं। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।